मुझे गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए। जब मैं 11 साल का था, मेरे साथ मेरा दोस्त पढ़ाई करता था। एक महीने के बाद में देखा कि उसके पिताजी ने स्कूल में इस बच्चे को, मेरे दोस्त को, आने के लिए मना कर। मैं जब 27 साल का था तो एक बाप अपनी सगी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के हवाले कर देने की चेष्टा की। मुझे गुस्सा होना ही चाहिए। जब मैं 50 साल का था और रोड के ऊपर लहू के बीच में पड़ा था और कोई भी मेरे आसपास नहीं था, माफिया ने मुझे इतना मारा। मैं आज यहाँ उपस्थित इन सभी को कहता हूँ कि ये बात कोई नहीं बट हमारे बीच आज उपस्थित श्री कैलाश सत्यार्थी है। वो कहते हैं कि संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा ये एक वाक्य नहीं है, ये उनका अपना खुद एक हाउस मैगजीन है जिसके बारे में ये प्रजा को ये संदेश देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी जानते हैं, जानाति धर्म न च प्रवृत्ति, जानाति अधर्म न च निवृत्ति। यहाँ बैठे हर शख्स जानता है कि इस दुनिया में, इस भारतवर्ष में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम सभी जानते हैं, उसके इलाज भी हमारे पास। कहते हैं कि इंडिया इज अ मदर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो अ मदर्स ऑफ मिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस। हमें काम करना है, हमें सबको साथ मिलके काम करना है। जो भी इश्यू है वो इश्यू हमें साथ मिलके ही दूर करना होगा। यह मान्यता आज हमारे बीच में उपस्थित कैलाश सत्यार्थी जी ने कही है। उनका कहना है कि जो आदमी अवेयर है, जितने भी अवेयरनेस उनके पास हैं, दे आर ऑल एंड ऑलवेज टर्निंग अवे देयर फेस फ्रॉम द इश्यू। आज जो भी इश्यू है वो इश्यू को हमें देखना है और उसे हम कैसे सॉल्व किया जाए वो बात कहेंगे। ही इज अ सीकर ऑफ ट्रुथ। जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स उन्होंने पहचाने हैं तो उन्होंने अपना नाम बदल के कैलाश सत्यार्थी रखा। उनके फैमिली में उनके बेटे, उनकी बेटी, उनके धर्मपत्नी सभी भी एक शख्स अपनी सरनेम नहीं रखा करते, क्योंकि उनका मानना है सरनेम इज अ सिंबल ऑफ अ कास्ट एंड इफ यू हैव टू इरेडिकेट लेट्स रिमूव द सरनेम फ्रॉम अवर नेम। इन्होंने 2014 के साल में 196 ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड इस हासिल किया और पूरे देश को समर्पित किया और इसके कारण पूरा देश गौरवान्वित है कि जिन कैलाश जी ने, जो भारतीय है, मूल भारतीय है और स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा नोबेल प्राइज उन्हें प्राप्त हुआ। और ये बड़ी खुशी की बात है, ये नोबेल प्राइज की धनराशि जो भी है वो तो उन्होंने अपने पास नहीं रखी, और जो बचपन सुरक्षित आंदोलन जो चलाते हैं उसके अंदर ये पूरी राशि उन्होंने अर्पण कर दी। बट साथ ही साथ ये जो गोल्ड मेडल है 196 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड, वो भी आज अपने पास नहीं रखते हुए राष्ट्रपति जी को समर्पित किया। तो ऐसे समर्पित भावना वाले कैलाश जी, हम सभी जानते हैं कि अभी चंद महीनों पहले कौन बनेगा करोड़पति के अंदर अमिताभ बच्चन जी के साथ में थे, कई प्रश्नोत्तरी के उन्होंने सही जवाब दिए एंड यू नो दे वर नॉट एस्टैब्लिश और फैब्रिकेटेड, दैट पूरा कंजर्वेशन यू नो लाइक पूछा गया और उनका उन्होंने उत्तर दिया। और 50 लाख की जो भी राशि उन्होंने जीती है वो भी उन्होंने सुरक्षित बचपन के अंदर अर्पण किया। और आज ही आप सभी में से बहुत जन उपस्थित है, सभी जानते हैं कि कैलाश जी और किरण कुमार जी दोनों को आज संतोख बा अवार्ड से नवाजित किया गया हुआ है एसआरके फाउंडेशन के द्वारा। और इस अवार्ड जो है, अवार्ड के साथ ही साथ प्रेसिडेंट श्री माननीय कोविंद जी ने ये अवार्ड दोनों को प्रदान किया और पूरी 1 करोड़ की जो राशि थी वो उन्हें मिली। और उन्होंने स्टेज पर ही
यह ऐलान किया कि जो भी राशि मुझे यह प्राप्त है मैं मेरे अंगत खर्च के लिए नहीं करूंगा, बट बचपन संरक्षित करने के लिए जो आंदोलन है उसे। तो ऐसे बाल मित्र हमारे बीच में उपस्थित हैं, साहब जी और देवी जी, मैं विनती करूंगा हमारे बीच उपस्थित श्री कैलाश जी को कि हमें संबोधन करें। थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोगों ने भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने की, अंतरिक्ष तक ले जाने की बहुत प्रेरणास्पद कहानी भाई किरण जी से सुनी। किरण कुमार जी और इसरो ने निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बैठा हूं। और एक ही तरह का अवार्ड हम दोनों को मिला। आज सुबह से, बल्कि कल रात से, गोविंद भाई ढोलकिया जी से और उनके परिवार से बहुत बातचीत हुई, उनको देखने समझने का मौका मिला और बहुत कम लोगों से गोविंद भाई मुझे ईर्ष्या होती है, आपसे भी ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या इसलिए नहीं हो रही कि आप कई हजार करोड़ रुपए कमाते हो, मैं तो आज पहली बार, बल्कि दूसरी बार करोड़पति बना और वो पैसा भी मैंने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। पहली बार जब मैं बना तो नोबेल प्राइज का पैसा मिला कई करोड़ रुपया, तो मैंने वही घोषणा कर दी कि ये पैसा न केवल, वो तो मेरा निजी था, ना मैं लूंगा, ना मेरा परिवार लेगा, ना मेरा संगठन लेगा, बल्कि वो पैसा ऐसे बच्चों के ऊपर खर्च होगा जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है दुनिया भर में, भारत में ही। तो मेरे मित्रों ने कहा, एक दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धनंजय जी ने और वो बैठी हुई है करिश्मा, एक दो लोगों ने कहा कि सर इतना बड़ा पैसा था, कम से कम हमको आईफोन तो दिलवा देते। तो पैसा तो चला गया सारा का सारा। और जब मैंने, मुझे ये पता लगा कि 125 करोड़ भारतीयों की इस महान पुण्य भूमि पर, जो बुद्ध की, गांधी की, महावीर की, गुरु नानक देव की, महर्षि दयानंद की, स्वामी विवेकानंद की, नरसी भगत की, महान पुरुषों की धर्मभूमि, कर्मभूमि रही है, मानवता का, शांति का संदेश देने वाली धरती, वहां पर एक भी नोबेल मेडल नहीं। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था और वो चोरी चला गया शांति निकेतन से। तो तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने मुझे कहा, मुझे और सुमेधा जी को, कि कैलाश जी इस धरती में एक भी मेडल नहीं है असली, वो आएगा आपके माध्यम से, और वो भी भारत में पैदा हुए, भारत में पले पढ़े, भारत में पढ़े सच्चे खांटी भारतीय के नाम पर उसके हाथ से आएगा। तो मुझे लगा कि अरे, मैं सोचता था कि ये जो भारत में पैदा हुए हैं भले ही विदेशी बन गए, उनमें से कुछ मेडल तो यहां होंगे। शांति पुरस्कार तो भारत में पैदा होने वाले किसी को मिला नहीं, लेकिन दूसरे मिले थे 4-5 पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वो अलग मिलता है एक देश में, नॉर्वे में, और बाकी 5 पुरस्कार दूसरे देश में मिलते हैं, स्टॉकहोम में, स्वीडन में। तो मेरे मन में आया कि ये जो मेडल है ये राष्ट्र के नाम समर्पित कर देता हूं। तो उससे पहले दुनिया में कभी ऐसा किसी ने किया नहीं। लोग तो सोचते ना पुरस्कार मिलेगा तो मिलेगा। मैंने कहा मेरे अंदर अहंकार आ जाएगा अगर मेरे घर में वो दुनिया का सबसे कीमती पुरस्कार रहा तो। मैंने सोचा अगर मेरे अंदर अहंकार नहीं आया और सुमेधा जी के अंदर नहीं आया, तो मेरी आने वाली तमाम पीढ़ियों में ये अहंकार रहेगा कि हम नोबेल लॉरिएट के बेटे हैं, पोते हैं, पोतियां हैं।
तो ऐसी चीज ही क्यों रखो जो हमको परमात्मा से दूर करे, अहंकार हमें दूर करता है, क्योंकि करने वाला तो कोई और है, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख दी कि आप के माध्यम से मैं भारत माता को इसे समर्पित करना चाहता। वो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रपति तो छोटे बड़े बड़े पुरस्कार देता है, लेता तो कोई नहीं। तो हमने कहा कि इस रीत को हम लोग बदल लेते हैं, हम आपको पुरस्कार नहीं दे रहे, हम समर्पित कर रहे हैं भारत को। तो उनका धन्यवाद है प्रणब मुखर्जी जी का कि उन्होंने उस प्रोटोकॉल को बदला और एक नया प्रोटोकॉल बनाया कि वो इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो मैंने उनके हाथ में ले जाकर दे दिया। अब वो म्यूजियम में रखा हुआ है, राष्ट्रीय म्यूजियम में, ना तो मैं छू सकता हूँ, ना मेरे परिवार का कोई छू सकता है, ना मेरी आगे वाली पीढ़ियां छू सकती हैं। जितना अधिकार हमारे परिवार का उस पर है, उतना ही आपका भी। आप भी देख सकते हैं, मैं भी जाकर देख सकता हूं। लेकिन इसमें मैंने कोई संत का काम नहीं किया, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। संतों से लोग अपेक्षा करते हैं ये चीजों की, लेकिन मेरे मन में यह था कि जो साधारण से साधारण भारतीय है उसके अंदर भी ये गुण हो सकते हैं जो गुण दुनिया में दूसरे संतों में भी नहीं हो सकते। साधारण आदमी के अंदर भी हमारे डीएनए में वो चीजें हैं, थोड़ा सा निकालने की जरूरत है। मेरे मन में एक बात और आई कि चूंकि 125 साल के नोबेल के इतिहास में पहली बार इस मुद्दे को उन्होंने शांति के साथ जोड़ा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नोबेल पीस प्राइजेस that it had been conferred to this cause of children, slavery, trafficking, sexual abuse, prostitution, child soldiers. So the problems children were facing for ages, but it has never been academically established that we cannot attain sustainable peace without ensuring freedom, childhood, dignity and rights for all children. ये पहली बार उन्होंने स्वीकार किया और मिला। तो मैंने कहा कि मेरे मन में आया कि बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेवारी मुझे मिली और मैं अकेला इस नैतिक जिम्मेवारी से दब के मर जाऊंगा, तो ये जिम्मेवारी आपको बांट देता हूं, आपको हर भारतीय को बांट देता हूं। अगर आप भारत के लोग ये गर्व करते हो कि पहले भारतीय को, भारत में पैदा होने वाले को पहली बार 125 साल में शांति पुरस्कार मिला है, तो वो भारतीय अकेला कैलाश सत्यार्थी नहीं है, वो भारतीय आप। आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि इस कलंक को हमारे देश से मिटाएं, दुनिया से मिटाएं। हमारे यहां हजारों साल पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने जो चीजें देखी, महसूस की, अनुभव की, केवल बोली नहीं, वो अद्भुत। इसीलिए हमारे ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा जाता है, मंत्र वक्ता नहीं कहा जाता कि उन्होंने मंत्र बोल दिए, उन्होंने मंत्रों को महसूस किया। कितने साल पहले हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने संदेश दिया, अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। हम लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, एक नारा आया, पॉलिटिकली नारा आया बहुत साल पहले, इवन वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वी टॉक ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस, मानवीय चेहरे के साथ भूमंडलीकरण हो। फिर कुछ लोगों ने आगे बढ़ के कहा, मेरे जैसे लोगों ने, कि मानवीय चेहरे के साथ क्यों भूमंडलीकरण हो, मानवीय आत्मा के साथ भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन विथ ह्यूमन सोल। वो कैसे हो? हमारे यहां तो हजारों साल पहले कह दिया कि ये दुनिया एक परिवार, लेकिन पारिवारिक मूल्य कहां? चिराग लेके ढूंढोगे तो कुछ घरों में मिलेंगे,
और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, गोविंद भाई के घर में पारिवारिक मूल्य मिलेंगे। सूरत में ऐसे कई परिवार हैं, मुझे आज बताया कुछ लोगों ने, कि जिनके यहां वो पारिवारिक मूल्य, वो इंटैक्ट, वो अभी भी जिंदा है। इसलिए मैं सूरत की जनता को प्रणाम करता हूं। मैं तो सोच रहा था एक ही परिवार है, लोगों ने कहा ऐसे कई परिवार हैं। तो इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है कि मैं 20-25 साल पहले सूरत में आके क्यों नहीं बस गया, 50 साल पहले भी बस सकता था, तो मैं भी उन पारिवारिक मूल्यों की अनुभूति कर सकता। इसलिए मुझे ईर्ष्या हो रही है। लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं मित्रों। जब मैंने ये अभी घोषणा की 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपए का महत्व मैं खूब समझता हूं। मैं एक बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ, मेरे पिताजी पुलिस में सिपाही थे जब मैं पैदा हुआ, और मैं बहुत किशोर था तब उनकी मृत्यु हो। मेरी विधवा माँ को मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने में अपने गहने तक बेचने पड़े, चांदी के गहने, सोना उनके पास नहीं था। और जिस वक्त मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं भले ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ चुका, भले ही मैंने 1.5 साल 2 साल वहां पर यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिया, और भले ही भारत में उस समय बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर डिजाइन इंजीनियर्स नहीं थे, मैं उनमें से था, लेकिन मैंने कहा कि मैं जिंदगी भर अपना करियर के लिए नहीं जी सकता हूँ, पैसे और नाम कमाने के लिए नहीं जी सकता हूँ, क्योंकि मुझे भारत माता पुकार रही। मैंने कहा तुम मेरी माँ हो, मेरी माँ को मैंने कहा तुम्हारी पुकार को मैं सुनता हूँ, लेकिन भारत माँ और ज्यादा बड़ी है मुझे। वो पुकार रही है कि उसके बेटे गुलामी क्यों कर रहे हैं, उसकी बेटियां जानवरों से भी कम कीमत पर क्यों खरीदी बेची जा रही है, 12-12, 10-10 साल की बेटियों को वेश्यालयों में धकेल कर उनके साथ कई कई लोग एक एक रात में मुंह काला क्यों कर रहे हैं, बच्चे दौलत पैदा करते हैं और बच्चे गुलाम बने रहते हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक बच्चा भारत माता की संतान, मुझे स्वीकार नहीं। तो मैंने जब अपना जॉब छोड़ा, घर छोड़ा, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई त्याग कर रहा हूं, कभी नहीं लगा मुझे। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैंने जीवन में कोई क्या किया है, उसी दिन मेरे अंदर का अहंकार रूपी राक्षस पैदा हो जाए। मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके लिए मैं थोड़ा सा भी घमंड अपने अंदर ला सकता। उस समय कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। आप लोग जानते हैं कि लगभग 40 साल पहले भारत में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बाल वेश्यावृत्ति, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, दुर्व्यापार, ये शब्द सुने नहीं जाते। भारत ने कोई कानून नहीं बनाया था, अंग्रेज के जमाने के कुछ कानून थे टुकड़े टुकड़ों में, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुए। कानून नहीं था भारत में बच्चों को शोषण से बचाने के लिए, बाल मजदूरी से बचाने। तो हमने जब बात लोगों से चर्चा शुरू की, तो लोग कहते थे कि ये क्या मुद्दा लेके बैठे हो, अगर तुमको मदद करनी है गरीब की तो तुम अनाथालय खोल लो, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो लोग स्कूल खोलते हैं, मदद करते हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गहरी चीज ये है कि ऐसा होता क्यों हमारे समाज और दुनिया। हमें इसकी बुनियाद को समझ के इसको बदलना होगा। जिन कारणों से ये बीमारी पैदा होती है, उन कारणों को खत्म करना पड़ेगा। तत्कालीन तो फायदा यह है कि जब किसी को बुखार चढ़े, लगे मलेरिया है या कुछ और है, तो उसको एक पैरासिटामोल दे दो या कुनाइन दे दो अगर पता लग जाए पक्का तो। लेकिन मच्छर मारो, मच्छर भी नहीं मरेंगे अगर नालियां साफ नहीं होंगी, गंदगी साफ नहीं होगी। तो समाज
तो गंदगी भी साफ करनी पड़ेगी, मच्छर मारने का भी प्रबंध करना पड़ेगा, और कुनाई भी खिलानी पड़ेगी, पैरासीटामॉल भी खिलानी पड़ेगी। तो सब चीज साथ साथ, स्थायी समाधान कैसे निकले इसके लिए हमें अपने भीतर भी झांक के देखना पड़ता है। वो कौन सी चीजें हैं? हमारे यहां वेद में जो पहला मंत्र है, ऋग्वेद में जो दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक, पुरानी बुक ऑफ विजडम मानी जाती है, नॉट जस्ट रिलीजियस बुक, द बुक ऑफ विजडम एंड नॉलेज। वेद का मतलब ही होता है विद्या, ज्ञान, नॉलेज। उसका पहला मंत्र है अग्नि नीड़े पुरोहितम यज्जस्व देव मृत्युजम होतारम रत्न धातु। वो कहता है कि जो समाज का हित चाहते हैं पुरोहित एक साथ है, जो बेहतर दुनिया बेहतर समाज बनाना चाहते हैं वो इकट्ठे होकर ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करें मिलकर, और इस भावना से प्रेरित करें कि ये अग्नि बहुमुखी होगी। द फायर ऑफ विजडम वुड बी मल्टीप्लाइड। यज्ञ का मतलब है आप जो आहुति दोगे वो मल्टीप्लाई होगी। यू आर नॉट जस्ट बर्निंग एनीथिंग, यू आर पुटिंग समथिंग विच वुड बी मल्टीप्लाइड इन द एनवायरमेंट। तो ज्ञान को मल्टीप्लाई करो यज्ञ के रूप में से आहुति देकर सब लोग मिलकर। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात जो दूसरी लाइन है उसमें, होतारम रत्न धातुम, इस तरह का जो ज्ञान का सृजन हम लोग सब मिलकर करेंगे वो पूरे समाज में वैभव पैदा करे और सबके लिए वैभव पैदा करे। होतारम रत्न धातुम, जो काम आप कर रहे हो, आपका परिवार कर रहा है, वो रत्न का काम कर रहा है ना। आपका वेद के पहले मंत्र में ही आदेश दे दिया गया कि ऐसा ज्ञान, केवल किताबी ज्ञान नहीं, इस तरह का ज्ञान सब लोग मिलकर यज्ञ के रूप में पैदा करें जो डायमंड पैदा करे, जो रत्न पैदा करे और वो सबके लिए चमक दे सके। लेट अस क्रिएट नॉलेज, बट लेट अस आल्सो कन्वर्ट दैट नॉलेज इनटू प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट इज द प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, सबके लिए मिल सके। लेकिन आज क्या है दुनिया की हालत? जब मैं यहां खड़ा हूं उस वक्त, और आप यहां बैठे हैं उस वक्त, 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे दूसरों के यहां कुछ ना कुछ मजदूरी कर रहे हैं। उस वक्त 21 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं, और 21 करोड़ बेरोजगार वयस्कों में ज्यादातर जो बेरोजगार हैं वो बच्चों के माता पिता हैं जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। ये ILO के, विश्व बैंक के, यूनेस्को के आंकड़े अध्ययन के बाद पता लगा कि एक विशेष सर्कल है। हमें वयस्कों को रोजगार देना चाहिए, न कि बच्चों को, ताकि बच्चे अपने बचपन से वंचित होकर ना रहे और स्कूल जा सके। इस वक्त दुनिया में 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो लोगों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनके घर बार छूट गए, प्रोग्राम चालू है, उनके देश छूट गए हैं, व्हाट वी कॉल द चिल्ड्रन ऑन मूव। जिस पाप के लिए, जिस दोष के लिए, जिस अपराध के लिए ये बच्चे जिम्मेवार नहीं है उसकी सजा भुगतनी पड़ती। जो कंफ्लिक्ट कंट्रीज हैं जहां पर युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, खून खराबा, मारकाट हो रहा है, उन देशों के ये 5 करोड़ बच्चे हैं, सीरिया के बच्चे, यमन के बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे, साउथ सूडान के बच्चे, उनका क्या दोष है? तो हमारी प्राथमिकता क्या है? दुनिया में 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं गए कभी, और 20 करोड़ बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया दाखिले के बाद। 26 करोड़ बच्चों को स्कूल के अंदर होना चाहिए। आप कहोगे कि बहुत बड़ी समस्या है, करोड़ों की बात हो रही है। सचमुच जब मैंने शुरू किया तो कोई इस पे बात नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे बात शुरू हुई। मैं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी डे ये हो रहा है, तो मैंने और सुमेधा जी ने मिलकर एक पत्रिका लिखा कि
कि लोगों तक ज्ञान पहुंचाए, जानकारी पहुंचाए। एक दिन हमारे घर पत्रिका के दफ्तर में एक आदमी आया और उसने दरवाजा खटखटाया, बहुत he was frail and looking very weak. तो मैंने उसको अंदर आने दिया, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गया और चीख चीख के रोने लगा। मैंने पानी डाला, चाय पिलाई, तब होश आया उसे। तो पहली बात उसने कही, बाबूजी, हाथ जोड़कर मेरे पैर पकड़कर, बाबूजी मेरी बेटी को बचा लो, मेरी साबो को बचा लो। मैंने कहा, क्या हो गया, कौन हो तुम, क्या है तुम्हारी बेटी? तो उसने अपने पजामे के तहमत के अंदर कुछ डाल रखा था, एक पत्रिका थी वो हमारी पुरानी, उसकी कॉपी लेके आया। वो चाहता था कि उसकी कहानी हमारे पत्रिका में छप जाए, क्योंकि हमारी पत्रिका इन्हीं विषयों को लेकर थी। किसी ने उसे वो पत्रिका दे दी। उसने बताया कि 17 साल पहले उसे और उसकी नवविवाहिता पत्नी को और कुछ और परिवारों को लोग बहला फसला कर उसके गांव से दूसरी जगह ले गए, अलीगढ़ जिले से पंजाब में ले गए थे ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए, वहां गुलाम बनाने। 17 साल में उसके बच्चे पैदा हुए, दूसरों को भी बच्चे पैदा हुए, और जो सबसे बड़ी लड़की थी साबो 15 साल की, उसे खरीदने के लिए एक दिन कुछ दलाल लोग आए, विषय के कोठे के दलाल लोग आए। उसके शरीर को छू छू कर देख रहे थे कि कितने में ये खरीदी जा सकती है। भट्टा मालिक कह रहा था कि ये लड़की कुंवारी है, वर्जिन है, इसका ज्यादा पैसा लेंगे, और वो इतना पैसा देने तैयार नहीं थे। माँ ने भाग के पति को बताया, उसने सुन लिया कि लड़की के साथ क्या हो रहा है, देख लिया माँ। और वो बाप क्या करता, चीखता तो पिटता, पकड़ा जाता, वो मुंह में कपड़ा ठूसे हुए एक ट्रक के ऊपर कूद गया जो ईंटों से भरा हुआ था, ताकि जब ट्रक निकलेगा आधी रात को बिकने के लिए तो जहां पहुंचेगा वो रोएगा चीखेगा बेटी को बचाएगा। हम ऐसे सब लोग किसी न किसी के भाई हैं, किसी की बहनें हैं, किसी के बाप हैं, किसी के माँ हैं। वो भी बात, ट्रक पहुंचा चंडीगढ़, वहां से वो किसी तरह हमारे पास। तो जब मैं उसकी कहानी लिख रहा था तो मेरे मन में आया कि यार अगर ये मेरी बेटी होती, ये मेरी बहन होती, तो मैं लिखा पढ़ी नहीं करता, सारी दुनिया को आसमान को उठा देता। मैंने कहा वासल खान, उस आदमी का नाम वासल खान था, मैं लिखूंगा नहीं, तुम्हारी बेटी को आजाद कराऊंगा चाहे कुछ हो। उनका बाबू जी बहुत खतरनाक लोग, मैं उसे अपने घर ले आऊ। और जब हम दिल्ली आके बसे थे मध्य प्रदेश से, मेरे गृह नगर से, कोई हमारे साथ मदद करने तैयार नहीं था सुवेदा जी के अलावा। सुवेदा जी एक अच्छे शिक्षित और संपन्न परिवार की थी, उनके परिवार ने उनसे नाता तोड़ लिया मेरे से शादी करने की वजह से, और हम लोग वहाँ एक 8 फीट बाई 10 फीट के कमरे में रहते थे, स्टोर रूम था, किसी के कमरे को सबलेक्ट करते थे। वही हमने बासल खान को सुलाया खिलाया, सुमेधा जी से कहा कि तुम शादी के गहने दे दो, हम उसको गिरवी रख के या बेच के इंतजाम करेंगे छुड़ाने का, ट्रक ले जाएंगे, वहां पर 30-40 लोग थे। तो किसी तरह हमने साथियों को इकट्ठा किया, हम वहां पहुंचे एक ट्रक लेके, हमारी पिटाई हो गई, हमें वहां से नंगे हाथ नंगे पैर कटे हुए कपड़ों में लौटना पड़ा, बासल खान पकड़ा गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई समस्या समाधान के बगैर पैदा नहीं होती, हर समस्या की गर्भ में भ्रूण की तरह समाधान पलता रहता है। हमें उस समाधान को देखना चाहिए, वो नजर चाहिए, थोड़ा धैर्य भी चाहिए, थोड़ी समझदारी भी चाहिए, और इंतजार भी चाहिए। तो मैंने कहा कि इस समस्या का भी कोई समाधान निकलेगा।
हार मानने से काम नहीं चलेगा। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो पुरानी कहावत है कि कम से कम दो रास्ते खोल देता है, ये आपकी नजर होनी चाहिए। तो मुझे एक वकील मित्र ने बताया कि लेट अस गो टू द कोर्ट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड फाइल ए रिपिटिशन। सो वी फाइल ए रिपिटिशन अंडर हैबियस कॉर्पस, दैट वाज ओल्ड ब्रिटिश ट्रिब्यूनल। उसका नतीजा ये हुआ कि वो स्वीकार कर लिया उन्होंने, और चंद दिनों के अंदर ही उनको नोटिस जारी हुआ। पंजाब सरकार ने लाके सबको कोर्ट में प्रोड्यूस किया, और 36 बच्चे, औरतें और आदमी छूट गए। पंद्रह साल की साबो जो वेश्यालय में बिकने वाली थी, जब वो खुले आसमान के नीचे आई दिल्ली में, तो वो और दूसरे बच्चे बंदरों की तरह उछलने लगे। उनको पता नहीं था कि ये सड़कें कैसी होती हैं, मकान कैसे होते हैं, कारें कैसे होती हैं। कार वाले हॉर्न करे जा रहे हैं और बच्चे बंदर की तरह उछल रहे हैं, या मेढकों को अगर भर दो किसी डब्बे में और डब्बा खोल दो। तो इस तरह वो मुक्त होके उछल गए। और मैं बताऊं कि मैं बचपन से बड़ा थोड़ा सा आध्यात्मिक मेरा रुझान रहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में अंग्रेजी में सब पढ़ता था, लेकिन संस्कृत मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं वेदों को, शास्त्रों को समझ सकूं। हालांकि सुमेधा जी संस्कृत में एमए हैं, लेकिन मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ी पहले। तो शादी और हमारे प्रेम के पीछे भी ये था कि थोड़ी बहुत संस्कृत मैं भी जानता था और उनको जानती थी। तो मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में सब पढ़ा इतिहास में, आज़ादी के बारे में। लेकिन आज़ादी, मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर, मुझे कह नहीं सकता मैं कि किसने उसके दर्शन किए हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। जरूर किए होंगे लोगों ने, कैसे दर्शन किए हैं मैं कह नहीं सकता हूँ, शायद अनुभव किया हो। लेकिन जीवन में पहली बार जिस समय वो बच्चे उछल रहे थे, उनके चेहरे पर जो आज़ादी की मुस्कान थी, जो माँओं के चेहरों पर खुशी से आंसू ढलक रहे थे, और बार बार वो चुन लेती थी अपने बच्चों को उस ममत्व के साथ, मुझे उन बच्चों के चेहरों पर ईश्वर के दर्शन हुए। मुझे ईश्वर के दर्शन हुए उन माँओं के आंसुओं में जो खुशी से बह रहे थे। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने एक दो बार, 10 बार नहीं, कम से कम 86,000 बार इस तरह के दर्शन किए। जब भी मैं माँ को की गोद में उस बच्चे को पहुंचाता हूं, जो माँ आशा को चुकी थी कि कभी मेरी गोद में बैठेगा, तब मैं देखता हूं उस मुस्कुराहट में ईश्वर है। लेकिन ये एक सिर्फ आध्यात्मिक या नैतिक या मानवता की बात नहीं। भारत में कानून नहीं थे, हमने कानूनों की लड़ाई लड़ी और 1986 में पहला कानून बना। दुनिया में कोई कानून नहीं था, दुनिया में कोई कानून नहीं था इस बुराई के खिलाफ, जिसको हम वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कहते हैं आज कानून की भाषा में। 1997 में मेरे दिमाग में आया कि हमको वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, पूरी दुनिया की यात्रा की जाए। लोग मूर्ख समझ रहे थे, हमें हंस रहे थे, हम पे मजाक कर रहे थे। पैसा नहीं मेरे पास, मैं सरकार में नहीं, मैं कह रहा था अंतर्राष्ट्रीय कानून बनवाऊंगा। लोग कहते थे कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। हमने कहा जनता की नैतिक शक्ति में जो बदलाव की तूफान की ताकत है, वो किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है। नैतिकता की शक्ति से बड़ी कोई सत्ता की शक्ति नहीं होती, और वो नैतिकता की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में परमात्मा ने दी है पहले से, जिसको हम भूल रहे हैं, जानबूझ के दबा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा उसी शक्ति के आधार पर हम काम करेंगे। हमने 103 देशों की 80,000 किलोमीटर लंबी यात्रा की। 80,000 किलोमीटर, दैट इज ऑलमोस्ट डबल द पेरिफेरी ऑफ द अर्थ। और अलग अलग 3 यात्राएं करके जिनेवा पहुंचे इस मांग के साथ कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बने। यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है जिनेवा, और ILO की जनरल असेंबली में वो हुआ हमारा समापन। उसके परिणाम स्वरूप
उसी दिन एक प्रस्ताव पास हुआ कि ऐसा कानून बनना चाहिए और एक साल के अंदर कानून बन गया। आईएलओ कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर वाज द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ दिस लॉन्ग विश्वव्यापी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और तब दुनिया में 26 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, आज से 17 साल पहले। अब उनकी संख्या घटके 15 करोड़ रह गई, 26 करोड़ से 15 करोड़ रह गई है। अगर 11 करोड़ बच्चों को हम लोग 15 साल के अंदर आजादी दिला सकते हैं तो आगे आने वाले 10 साल में हम दुनिया के प्रत्येक बच्चे को आजादी दिला, उसका बचपन बताएंगे, उसको शिक्षा को प्रयोग करेंगे। भारत में हम जब बच्चों को छोड़ा के स्कूल में दाखिला कराते थे तो हमें बहुत अपमान सहना पड़ता था। टीचर लोग, हेडमास्टर कहते थे, तुम बार बार ऐसे बच्चों को लेके आ जाते हो जिन्हें ना बोलने का तमीज ना कपड़े पहनने का तमीज, करें क्या हमें, तो स्कूल में दाखिला कराना सरकार। तो हमने कहा हम लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? हमारे वकीलों ने कहा कि तुम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ सकते कि भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए कोई कानून नहीं। तो हमने कहा कानून बनवाने की लड़ाई लड़ते। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं लड़ सकते क्योंकि संवैधानिक भी प्रावधान नहीं, भारत का संविधान शिक्षा को अधिकार नहीं मानता था। इट वॉज द पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बट नॉट द फंडामेंटल राइट। एक दिन मेरे साथ मुझे स्कूल के हेडमास्टर और कई लोगों ने ऑलमोस्ट धक्के मार के निकाल दिया। उसी दिन मैंने फैसला किया कि यार हम भारत का संविधान भी बदलेंगे। तो लोगों ने कहा तुम तो यार कॉरपोरेट का चुनाव नहीं लड़े कभी, एमएलए एमपी की बात छोड़ो, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते क्योंकि 3/2 बहुमत चाहिए संविधान बदलने के लिए। हमने कहा नहीं, हम 2001 में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर होते हुए हम लोगों ने एक भारत यात्रा की, द मार्च फॉर एजुकेशन, इस डिमांड के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करो। सैकड़ों संगठन जुड़े, 163 सांसद हमारे साथ शामिल हुए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लीडर ऑफ अपोजिशन ने हमसे बात किया उस समय 2001 में, और सबने कहा कि ठीक है। और 6 महीने के अंदर भारत के संविधान में संशोधन होकर शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया। आप जिसे आज ही कहते हैं राइट टू एजुकेशन, उस राइट टू एजुकेशन के लिए मैं उस टीचर को धन्यवाद देता हूं, हेडमास्टर को, जिसने मुझे धक्के मार के निकाल दिया कि मैं तुम्हारे हुए लाए हुए बच्चों को दाखिला नहीं दूंगा। अब कोई भी दुनिया का माँ बाप, भारत का कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उस कानून को लेके जा सकता है, एडमिशन देना ही पड़ेगा क्योंकि शिक्षा मौलिक अधिकार। बहुत सारी चीजें हुई भारत के अंदर ही 15 सालों के अंदर, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 12.3 or 12.4 million थे, करीब 1.25 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते थे, जो संख्या घटते घटते अब 45 लाख कर दी सरकार के हिसाब से, एक तिहाई रह गए। तो हम इसका समापन कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं। बोलो, कर सकते कि नहीं कर सकते? मैंने आपको इतनी ठोस बातें बताई, आप नहीं कर सकते क्या? सूरत में भी कर सकते हो? अरे यार इतना स्लो बोल रहे, ये नौजवान किस काम के? कितने लोग यहां पर नौजवान है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। अरे आप हाथ ऊपर करिए, असली नौजवान तो आप। जी, नौजवान क्या होता है? जो बड़ा सपना देख सके। सपना देखना बंद किया, बुढ़ापा शुरू। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, जो सवाल खड़े कर सके। जिस वक्त आपने सवाल खड़े करना बंद किया, फुल स्टॉप लग गया, बुढ़ापा शुरू, मौत का रास्ता तय। सवाल खड़े करो बुराई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। आज एक सबसे बड़ी बुराई जो हमारे समाज में है कि जिस एक घंटे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, 20 मिनट तो मेरे हो ही गए शायद, और थोड़ा 4-5 मिनट 2 मिनट बोलूंगा, हर एक घंटे के अंदर 4 बच्चों के साथ बलात्कार होता है या उनके साथ यौन शोषण। ये सरकारी आंकड़ा है, एनसीआरबी के रिपोर्ट। सच्चाई इससे 10 गुनी 20 गुनी बुरी होगी। द ट्रूथ इज बिटर एंड बिगर देन दिस 10 टाइम्स 20 टाइम्स।
There are reports that 70% of these abusers, monsters, are none but the very relatives, family members, or friends of father, friends of brother. तो कोई जाता नहीं पुलिस के पास, फूफा, चाचा, मामा, ताऊ जो गलत तरीके से छूते हैं शरीर को बच्चे के, बच्ची घबराती है, मन में संकोच करती है, कसमसा के रह जाती है, कई बार अपनी माँ को कहेगी, कई बार नहीं भी कहती है, कहती है तो माँ कहती है चुप रह, ये तो तेरा फूफा है, दो घर बर्बाद हो जाएंगे, अपने बाप को मत बता। अगर हमारे घर में हमारी बेटी, हमारी बहन, गुजरात बहुत सुरक्षित है और राज्यों के मुकाबले, लेकिन देश में मुझे कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया। मैं मंत्रियों से बात करता हूं, पूछता हूं, मैं जजेस से पूछता हूं, मैं पुलिस के हेड से पूछता हूं कि अगर आपकी बेटी कॉलेज गई है और शाम को 6 बजे लौटती है और 9 बजे तक न लौटे तो आप क्या सोचो? बोले हम फोन करेंगे, पता करेंगे, 10 फोन करेंगे, 100 फोन करेंगे, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएगा पूरा परिवार। किसी की भी बहन और बेटी अगर स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जॉब से अगर न लौटे, रात हो जाए, देर हो जाए, किसी अनजान टैक्सी में उसे आना पड़े तो पूरा परिवार परेशान हो जाए। इस महान देश में हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे परिवारों को डर में जीना पड़े, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और मैं चाहता हूं कि भारत के किसी भी नागरिक को यह स्वीकार ना हो कि किसी भी बेटी को, परिवार को डर में जीना। इस बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, चुप्पी तोड़नी है, केवल सरकारों पर दोषारोपण करने से समाज नहीं बदलता। समाज बदलने के लिए खुद भीतर से मजबूत होना पड़ेगा, अपनी उस नैतिकता को जगाना पड़ेगा, हिम्मत को जगाना पड़ेगा, चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, खासकर हमारे नौजवान नवयुवतियों को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। हर रोज हम अखबार में पढ़ते हैं, हमारा सर सर से नीचा हो जाता है। मैंने एक बताई थी घटना केबीसी में, एक लड़की ने हमसे कहा, वो बहुत फूट फूट के रो रही थी पुलिस थाने से लौटने के बाद, कह रही है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, हमने पूछा। बोली मैंने अपने पिता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया, वो अपराध बोध में, गिल्टी कॉन्शियस में मरी जा रही थी। फिर आगे बोली रोते हुए, मुंह छुपा के, कि पिछली रात मैं बहुत थकी हुई थी, मेरा शरीर टूट रहा था, बुखार था मुझे, मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा आज मुझे माफ कर दो, आज मुझे माफ कर दो प्लीज, लेकिन पापा ने मुझे माफ नहीं किया, मेरे साथ वही हुआ जो वो रोज करते थे, और मुझे भाग कर सुबह पुलिस में जाना पड़ा। ये दुर्गा का देश है, हम शक्ति के रूप में मां को पूछते हैं, यह सरस्वती का देश है, विद्या के रूप में हम सरस्वती को पूछते हैं, यह लक्ष्मी का देश है कि धन के रूप में, वैभव के रूप में हम फिर एक मां को पूछते हैं, एक बहन को पूछते हैं, एक बेटी को पूछते हैं, हम नवरात्रियां रखते हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या हो गया है, हमारे अंदर क्या हो गया है, कितना बड़ा महारोग हमारे अंदर लग गया है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है उनके बाप के साथ इस देश में। तो सुरक्षित भारत बनाने के लिए सुरक्षित बचपन जरूरी है, सुरक्षित जवानी जरूरी है। ये काम हम करेंगे, आप करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। इस देश को अगर महान देश बनाना है तो डर में नहीं बनेगा, व्यभिचार में, अत्याचार में नहीं बनेगा, किसी की गुलामी करने से नहीं बनेगा। अगर इस देश को महानतम ऊंचाइयों पर पहुंचाना है, एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, एक बार फिर से जगतगुरु बनाना है, तो हमारे भीतर के इंसान को जगाओ, हमारे भीतर के भारतीय को जगाओ,
हमारे भीतर की उस संतान को जगाओ जो संतान इन महापुरुषों की संतान है, जो गांधी जी की और पटेल की संतान है, उसे जगाइए अपने भीतर से। आप ही साथियों, भारत को सुरक्षित बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं? इतने धीरे बोलोगे आप? कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करिए। रेज योर हैंड्स। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही हाथ ऊपर करिए, मैंने प्लूरल कहा, रेज योर हैंड्स। किरण कुमार जी, रेज योर हैंड्स। आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर हैविंग टू हैंड्स और जस्ट वन। क्या हुआ आपके साथ, दोनों हाथ ऊपर हैं? तो सुरक्षित भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, लेकिन उसके साथ जरूरी है सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत में आप हमारे साथ जुड़िए। जुड़ गए एक तो हाथ ऊपर करके, और इसमें हमने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाया है, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। 100 मिलियन यंग पीपल आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ग्लोबली, एंड मोर देन 100 मिलियन यंग पीपल लाइक यू बियरिंग दोज ब्लैक शर्ट्स आर नॉट ओनली फुल विद एंथुसियाज्म एंड एनर्जी एंड पावर, बट यू डू हैव एन एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म, ए मॉरलिटी। वो मर ना पाए, उसे दफन ना कर दे समाज के लोग, उससे पहले आप चेंज मेकर बनिए। नीड नॉट टू लुक ए हीरो आउटसाइड ऑन सिल्वर स्क्रीन्स। देयर इज नो हीरो, दे आर एक्टर्स, दे आर जस्ट एक्टर्स, एंड दे गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर रिसाइटिंग दोज डायलॉग्स और मेकिंग एन एक्टिंग। अपनी माँ को अगर वो गले लगाता है, बूढ़ी माँ हो रही है, और कमाई करके लाता है पुलिस वाला एक्टर, तो माँ के पैर छूने के पैसे लेता है, अपनी प्रेयसी के किस करने के पैसे लेता है, वो किस कराती है उससे ज्यादा पैसे लेती है। लेकिन आप अगर कभी किसी को पैर छूते हो तो पैसे मांगते हो किसी डायरेक्टर से? देता है कोई? हाँ या ना? नहीं देता ना। किसी की भलाई करते हो, कोई आपसे डायरेक्शन कराता है? आप खुद अपनी मर्जी से करते हो। इसलिए असली हीरो कौन है? जो असली हीरो है हाथ ऊपर करो, नकली हीरो होगा तो मत करना। आप नकली हैं, आप नीचे क्यों कर दिया? असली हीरो तो आप हैं। जोर से बोलिए, हम ही असली हीरो हैं, हम ही देश को बदलेंगे, हम ही भारत को पुरानी गरिमा दिलाकर महान राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने इलाके में किसी भी बच्चे के साथ जुल्म नहीं होने देंगे, बलात्कार नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं होने देंगे। तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सूरत की सारी जनता को, मेरी बहनों को, भाइयों को, बेटों को।